नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाली हैं कि कई बार क्या होता है, हमारे घर के गरीबी का कारण घर के अंदर रखी कुछ चीज़ें जैसे हम सामान्य मानते हैं वही हो जाती है। इन चीजों को दोस्तों तुरंत प्रभाव से घर से बाहर कर देना चाहिए, ताकि इस प्रकार की चीजें हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की गरीबी को उत्पन्न ना करे और हमारा घर हमेशा सात्विक और सकारात्मक बना रहे। दोस्तों, क्या होता है, इन चीजों की वजह से कई बार नकारात्मकता हमारा घर कर जाता है, जिसकी वजह से रुपए पैसे हमसे कोसों दूर चले जाते हैं, माता लक्ष्मी उस घर के अंदर स्थान नहीं बना पाती हैं और व्यक्ति के अंदर कंगाली हो जाता है, व्यक्ति कर्ज के अंदर डूब जाता है और उसे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, घर के अंदर वह मोटाव घर की चीजें होती रहती है। इसलिए आपको अपने घर के अंदर अगर ये चीजें आप रखती हैं तो तुरंत प्रभाव से आपको हटा देनी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के सुख नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उन चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी लिखिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज की बात की जाए तो साधारण है और हर घर के अंदर होता है, और आप बोलेंगे कि इस चीज को क्यों हटाए। दोस्तों, वह होता है तुलसी का पौधा। दोस्तों, घर के अंदर तुलसी के पौधे को अगर कोई व्यक्ति पौधा समझकर लगाता है, अर्थात एक बार लगा दिया, सामान्य पौधों के साथ उसे पानी देता है और किसी प्रकार के उसके साथ अलग विधान से पूजा नहीं करता है, तो पूजा पाठ नहीं करता है, दीपक नहीं जलाते हैं, तो आपको अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के तुलसी के पौधा लगाते हैं तो माता लक्ष्मी अपनी नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ दोस्तों फल की बजाय आपको हो सकता है कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ जाए। इसीलिए दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लगाने की सोच रहे हैं तो हमेशा इस प्रकार से तुलसी का पौधा लगाएं कि आप उसकी केयर कर पाएं, और प्रतिदिन आप तुलसी के पौधे की पूजा करें, धूप दीपक जलाएं, तो ही तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लगाएं। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो आपके घर के अंदर या आपके घर के रसोई घर के अंदर टपकता हुआ नल, अगर आप अपने घर के अंदर टपकता हुआ नल है और आप उसकी उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों आपका पैसा पानी की तरह जिस प्रकार से नल का पानी बहकर चला जाता है, आपको भी पता नहीं चलता है कब आपके घर से धन चला जाता है और घर के अंदर धन आने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं और जो संचित धन होता है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए घर के अंदर टपकता हुआ नल भूल कर भी नहीं लगाएं, अगर है तो तुरंत प्रभाव से सही करवाएं। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो वो होता है मकड़ी की जाली। दोस्तों, जिस घर के अंदर मकड़ी की जाली होती है और वहां पर भूल कर भी लक्ष्मी निवास नहीं करती है, कई बार क्या होता है कि उनके साफ सफाई बहुत करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, उसके बाद भी मकड़ी के जाले कहीं ना कहीं रह जाते हैं। ऐसा रहने से लक्ष्मी उस घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती, तुरंत उसे प्रभाव से आपको जहां भी मकड़ी के जाले दिखते हैं आपको हटा देने चाहिए। और दोस्तों, अगर आप इसे नहीं हटाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नकारात्मकता और वास्तु दोष अपना स्थान बना लेते हैं, इसी वजह से आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, तुरंत प्रभाव से मकड़ी के जाले आपको हटा लेने चाहिए। अगली चीज की दोस्तों बात करें तो अपने घर के अंदर राहु का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कांच, और अगर आपके घर के अंदर कांच टूट चुका है और टूटे कांच को आप उसको अंदर ही अपना चेहरा देखने का कार्य करते हैं, या फिर अपने घर के अंदर घड़ी का कांच टूट चुका है, या किसी भी प्रकार के अन्य लगाई है, कांच की ग्लास भी हो और वह टूट चुका है, लेकिन आप उसका मन उसे फेंकने का नहीं है, आप प्रतिदिन उसी के अंदर अपना चेहरा देखते हैं या प्रतिदिन अपने आप उसको काम में लेते हैं, तो तुरंत उसे सावधान हो जाए, आपको टूटा कांच घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। यह राहु दोष उत्पन्न करता है और देखते ही देखते आपके घर के कई प्रकार की समस्याओं को समझ लीजिए आप मंत्रित कर देता है, इसलिए टूटा हुआ कांच हटा देना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो घर के अंदर झाड़ू, और दोस्तों झाड़ू तो सामान्य बातें घर के अंदर हर कोई रखता है, और हटाने की बात तब कर रहे हैं जब दोस्तों ऐसा झाड़ू जिसके किनके निकल चुके हैं,
जिस झाड़ू के तिनके लगातार निकलने वाले हों, अर्थात झाड़ू का अंतिम समय होता है, आप उसे छोड़ते नहीं, उसके नोह के अंदर बंधे रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे झाड़ू के अंदर तिनके बार बार बिखरना अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थात कि जब कचरा निकालने के लायक ही ना हो और उसी के कचरे आपके समझ लीजिए कि घिरते जाएं, तो और झाड़ू दोस्तों झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप भी ऐसा झाड़ू घर के अंदर रखते हैं तो आपके घर के अंदर सकारात्मकता चला जाएगा और देखते ही देखते आपको प्रताश के दोस्तों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस प्रकार की चीजें आपको तुरंत प्रभाव से हटा देनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह बात आपके घर की रसोई करके कर, तो रसोई के अंदर क्या नहीं रखना चाहिए, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि चीनी मिट्टी के जो सामान टूट चुके हैं या खंडित हो चुके हैं, इस प्रकार के सामान आपको अपने घर के रसोई घर के अंदर आप रखते हैं तो घर की रसोई के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और देखते ही देखते दोस्तों आपके खाने को प्रभावित करता है। इसीलिए आपको चीनी मिट्टी के सामान अपने रसोई के अंदर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इस तरह रात को सोते समय झूठे बर्तन, कई लोग की आदत होती है कि रात्रि होने की देर रात तक हो जाती है और उनका अपने आलस्य बढ़ जाता है और वो सोचते हैं कि बर्तन को सुबह ही धो लेते हैं। ऐसा करना साक्षात राहु दोष को उत्पन्न करना, कंगाली को घर के अंदर बुलाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों तुरंत प्रभाव से आप रात को ही सोने वाले जो बर्तन ज्यादा नहीं तो प्लेन पानी से ही साफ कर दे, उसके बाद ही आप सोए, नहीं रात को रसोई के अंदर झूठे बर्तन छोड़कर साक्षात नकारात्मकता को उत्पन्न करने के बराबर माना जाता है। इस तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, अपनी रसोई घर के अंदर कभी भी लोगों की आदत होती है कि गैस को काम होने के बाद उल्टा करके रख देते हैं, सोचते हैं कि उसके बाद गैस का काम नहीं है। ध्यान है कभी भी अपने गैस के कढ़ाई को, तवे को और ये गैस को उल्टा नहीं रखना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आप अपने तवे को उल्टा करके रखते हैं तो इसका मतलब होता है परिवार के अंदर किसी प्रकार की कलह या अनिष्ट होना निश्चित होता है। इसलिए कढ़ाई, तवा और गैस, इनको कभी भी आपको उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर की आदत है तो तुरंत प्रभाव से इसे बदल दे, अन्यथा आपके घर के अंदर धीरे धीरे समझ लीजिए कई प्रकार की पारिवारिक विघ्न आने लगते हैं। इस तरह दोस्तों अपने घर के अंदर पूजा घर की बात करें तो अपने घर के पूजा घर में अंदर आपको एक तो सबसे पहले खंडित मूर्ति किसी भी देवी देवताओं की नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्ति देखना साक्षात काल को बुलाने के बराबर माना जाता है और देवी देवताओं की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए खंडित मूर्ति को तुरंत प्रभाव से पीपल के अंदर विसर्जित कर दें और नई मूर्ति आपने घर के अंदर पूजा घर के अंदर लाके अपने नई मूर्ति की पूजा करें ताकि आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिले और ना कि आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों घर के मंदिर के अंदर पूजा घर के अंदर आप मूर्तियां लेकर आना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कभी भी देवताओं की क्रूर स्वभाव की, उग्र स्वभाव की, जिसके अंदर युद्ध देखते रहते हैं या जिनका चेहरा समझ लीजिए उग्र हो, इस प्रकार की मूर्ति आपके घर के अंदर मंदिर के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। जैसे कि भगवान शिव की तांडव करते हुए भगवान शिव की नटराज की मूर्ति, माँ काली, माँ दुर्गा की समझ लीजिए राक्षसों को संहार करती हुई पिता की मूर्तियाँ, तो सभी घर के अंदर पूजा घर के अंदर लाना, आप पूजा करते हैं तो दोस्तों आपका मन नकारात्मक हो जाता है और पूजा का आपको फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए देवी देवताओं की सुंदर मुख काय की तस्वीर ही आपको अपने घर के अंदर लाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। इस तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें अपने घर के अंदर आप कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं कथित स्थान को अपना पात्र बना लें और वहां पर अनावश्यक चीजें आप रखने लगे। घर दोस्तों उसकी जगह से आपको कचरा हटाना अच्छा ही नहीं लगता हो और आपको ध्यान रखना चाहिए घर के अग्नि कोण के अंदर कभी भी कचरा पात्र नहीं रखें। डस्टबिन अगर आप अग्नि कोण अर्थात ईशान कोण के अंदर रखते हैं तो दोस्तों वहां से आपकी समझ लीजिए अमीरी चली जाती है और वहां पर गरीबी अपना डेरा बना लेती है। इसलिए आपको भूल कर भी अपने घर के ईशान कोण में कचरे का पात्र नहीं रखना चाहिए और ध्यान रखिए कि घर के अंदर कभी भी अलमारी रखें तो अलमारी की दिशा दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा ही रखनी चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ अलमारी का मुख होता है, वहां पर धन धान्य हमेशा बना रहता है और धन धान्य कभी भी समाप्त नहीं होता है और वहां पर सच्चे भक्तों के साथ पैसा भी बहुत मात्रा के अंदर आता है। इस तरह दोस्तों ध्यान रखें कि रात को कभी भी अपने घर के
फ्रिज के अंदर आटा आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपने घर के फ्रिज के अंदर आटा रखते हैं तो साक्षात नकारात्मकता को, बुरी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं दोस्तों। उसके द्वारा बनने वाली रोटियां, उसके द्वारा बनने वाली भोजन राक्षस भोजन की श्रेणी के अंदर माना जाता है दोस्तों। हमारे मन को सात्विक की बजाय नकारात्मक कर देता है और अपना कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको तुरंत प्रभाव से सावधान रहते हुए अपने घर के अंदर अपने रात को कभी भी आटा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।